गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग इतने दिन से देख ही रहे कि हम लोग फील्ड में जा जा करके कैसे अपने हाथ पैर दुखाए हैं, तो आज वो दिन आ ही गया है। तो ये है हमारी टीम की टी शर्ट, तिलहरी टाइग्रेसेस, और पीछे नाम लिखा हुआ है। तो अभी मैं बैक कैमरा आपको दिखाती हूँ। टाइम हो गया है 5:15। जल्दी से बिहाइंड द सीन्स देखो क्या होता है, इमीडिएटली उतार के मार नहीं पाएगी। कौन सी चप्पल? चीयर गर्ल, लेट्स गो। चीयर गर्ल, रेडी हो? हाँ। मेरे लिए रेडी। हैरी टाइग्रेसेस। और पीछे नाम? वियाना स्पोर्ट्स अरीना में ये दूसरी टीम के प्लेयर्स हैं, ये आ चुके हैं, सब अंदर बैठे हुए हैं। थैंक यू, आपकी भी अच्छी है। हेलो। दो तीन चार टाइग्रेस का हाहाकार। बस स्टार्ट होने वाला है और हम लोग अभी जा रहे हैं ग्राउंड से बाहर। आते जाओ आते जाओ। ये सब लोग, हम लोगों ने फोटो सेशन करके आ रहे हैं फील्ड से, बिल्कुल सब रेडी हैं। ये हमारे दोनों बच्चे भी आ रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं। गाइस हाय, We are from a vlog team and okay. Hey, can you just like hi, which club are you from? Digresses, ये है जबरदस्त टीम, एक बहुत ही बढ़िया टीम लग रही है ये। लेडीज इंटर क्लब बढ़िया, उनका नजरिया है हमारे लिए मौजूद है। चमचमाते ट्रॉफी, अनावरण हो रहा है इस ट्रॉफी का। ये खूबसूरत ट्रॉफी है, ये चमचमाती हुई बिल्कुल, आप दीदार कर सकते हैं इस ट्रॉफी के। देखो ये ट्रॉफी मिलने वाली है, यही वाली चाहिए ना। ये ट्रॉफी हम लेके जाएंगे। प्रीमियर लीग का पहला टॉस यहां पर होने जा रहा है। जी हां, पहला टॉस सिक्का उछाला गया है श्वेता जी के द्वारा और टॉस जीत लिया है जबलपुर कॉट क्लब। The first match of Women's Premier League, it is Shakti Club versus Jabalpur Kaur. पावर प्ले ले लिया गया है। हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग का सेकंड मैच है इसके बाद। नीलम आउट हो चुकी हैं।
क्लब बॉलिंग कर रही है, हिली बॉलिंग, फर्स्ट बॉलिंग, हाँ के साथ 25 गेंदों में चाहिए और 30। एक रनर रखा हुआ, उनके पैर में चोट है, रनर अलाउ है। दो ओवर में 12 ओवर प्ले अभी बाकी है, ये मतलब ओवर प्ले में आप रन तो बनाएंगे, साथ में जितने रन बनेंगे उसके डबल काउंट होंगे। आउट। हो रहा है हम लोग की मैच तिलहरी वुमेन्स क्लब और विश्वकर्मा के साथ, कैप्टन्स दोनों के पहुंच गए हैं, देखते हैं टॉस कौन जीतता है। यस यस, जीत गए हम लोग, बैटिंग नाइस, रन रन रन, नहीं है नहीं है, अच्छा खेलने वाली है, हम सारी जितने मेंबर्स हैं उनको चीयर्स करें जो अभी सामने बैठ करके मैच देख रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत मजा आ रहा है। उसके मुताबिक पहला रन, और ये श्वेता जरूर हाफ विकेट पर आ गई थी, एक रन लेना चाह रही थी, लेडीज में खासी खुशी है, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि हम बहुत खुश हैं और अच्छा लग रहा है, नया एक्सपीरियंस है, बिल्कुल क्यों ना हो, हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, नया नया एक्सपीरियंस हमको हासिल होता है। हम तो आई हैं बॉलिंग करने के लिए, कप्तान हैं श्वेता, स्ट्राइकिंग एंड पर लगाएंगी, बड़ा शॉट कोशिश पूरी की लेकिन चांस था यहाँ पर, दो ओवर में 7 रन है और अभी डांस परफॉर्मेंस होनी बाकी है, ठीक है, ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। और फिलहाल यहाँ पर एक रन लेती हुई बहुत बढ़िया मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है तिलहरी टीम और अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं आई है। बैक टू बैक इस बार सामने फेस करते हैं, एक रन बना लिया, गुड, जरूर उन्होंने बड़े शॉट नहीं किए लेकिन विकेट्स भी यहाँ पे नहीं दिए हैं। फ्लैट बैटेड शॉट, लॉन्ग ऑफ सीजन पे एक रन, श्वेता वेल डन, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? काफी बढ़िया फील हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, जिस तरीके का हमने हरियाणा स्पोर्ट्स में जो लेडीज के बीच ये टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, सभी व्यूअर्स सुन रहे हैं लाइव इस वक्त पूरे देश में, प्रदेश में, देश दुनिया में मैच जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। और आगे 15 जून को जब फाइनल होगा, अलग माहौल होगा, 15 जून को फाइनल होगा WPL का, वुमेन्स प्रीमियर लीग, कौन सी वो एक टीम होगी जो ट्रॉफी पर कब्जे करेगी, ट्रॉफी जीतने की जिद होगी, चमचमाती ट्रॉफी अनाउट हो चुकी है वो, और बैटिंग करने अर्चना आ चुकी है, वो है 17 रन, लेफ्ट हैंडर बढ़िया शॉट खेलती हुई और जल्दी जल्दी एक रन के साथ गुड अर्चना, अर्चना पहुंची है बैटिंग करने के लिए, लेफ्ट हैंडर है, 5 बॉल इस ओवर की हो चुकी है, 6 ओवर्स 18, या गुड, चलिए बहुत बढ़िया रनिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छी क्रिकेट इस बॉल पर, ओवर की समाप्ति हुई है, 19 रन हो चुके हैं 4th ओवर की समाप्ति के बाद, 2 ओवर का खेल शेष लेकिन 1 ओवर पावर प्ले का भी बाकी है, पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ज्यादा से रन बनाइएगा और अपनी टीम को और मजबूती दीजिएगा, तिलहरी के अगर आप फैंस हैं सपोर्टर हैं तो जरूर आप यही उम्मीद करेंगे, तिलहरी ही टीम है हमारी भाई, हमारे साथी हैं।
विश्वकर्मा टीम और पावर प्ले ले लिया गया है। पावर प्ले सब लोग यहाँ जीतने ही आए हैं। यस यस बॉलिंग कर रही हैं ये स्वाति विश्वकर्मा है जो कि इंडियन टीम में है। हाँ, शूटर है ये। और जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि अलग अलग लेडीज के प्रोफेशन भी हैं तो ये बहुत बेहतरीन वाइड बॉल थी क्या ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आ चुकी है सुश्री मधुबाली। यहाँ पर बहुत पीछे रह गई थी हाफ विकेट पर श्वेता रन आउट हुई है क्योंकि जो वाटर है जो रनर है वो अंदर है क्रीज के और बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये मुकाबला चलते हुआ पावर प्ले हुई था कैसे कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिला ऐसे हलचल मची हुई हो और इस बार जरूर उछाल कर खेला हुआ शॉट था और अर्चना पहुंच गई बहुत बढ़िया बैक ड्रैग करती हुई क्रीज के अंदर 31 रन 5 ओवर्स कंप्लीटेड लास्ट ओवर एक ओवर और बचा करेंगे तो उस मैच के लिए और बोल्ड होती हुई ओह शिट बोल्ड हो गई दीपिका वो भी इस मैच का लुत्फ उठाएंगी और लास्ट ओवर है ये बता दें हम 8:35 पर गेंद की शुरुआत हुई थी लेकिन अभी 9:04 बाकी है बढ़िया ओवर रेट अब तक रहा है इस उन्नति आ चुकी है कितनी उन्नति मिलेगी टीम की लास्ट ओवर में देखना दिलचस्प होगा और उन्नति मिलेगी जरूर क्षेत्र जी आ चुकी है काफी सीनियर ये भी है आउट हो गए हैं आउट हो गए हैं बैट छूट गया था उनसे चेतना जी से आपका बैट छूट गया था आप इसके अंदर रीटा पर आउट हो गई हैं आप चलिए कोई बात नहीं इसको जीतने के लिए रॉयल्स के सामने टारगेट होगा 33 लेकिन पलहरी की टीम ने बनाए हैं 32 पूरे 6 ओवरों में बैटिंग की लेकिन यहाँ पर हरियाणा स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जारी हैं लेकिन अब यहाँ पर एक और परफॉर्मेंस होने वाली है हिप हॉप डांस टीम हडल हो रहा है इस वक्त प्रॉपर तरीके से टीम ग्राउंड के अंदर एंटर हुई फिर ये मीटिंग हो रही है एक प्लानिंग हो रही है बातचीत हुई है आपस में इशारों इशारों में बात की है श्वेता तैयार है उनके सामने अभी नम्रता है कैप्टन नो बॉल है और एक और वाइट एक और एक्स्ट्रा रन अरे वाइट नहीं है ठीक रखनी पड़ेगी डिसीजन हो चुका है अच्छा हमारी नजर और हमारा हम निर्भर रहते हैं अंपायर के डिसीजन के ऊपर ओके करनी होगी लिया गया है लेकिन बम्प वहां पर जमीन से लग कर गई थी वहां पर स्लीप राउंड पर स्लीपर मौजूद पहले से पहला ओवर कंप्लीट हो चुका है और रॉयल्स के रन है 5 3 चौके आए लास्ट ओवर में कुल लगाए हैं 3 चौके बहुत ऊपर इस गेम पर काफी हाइट ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि फर्स्ट फ्लोर से बॉल आ रही हो अगला हाइट और क्लीन बोल्ड नहीं ऐसा नहीं बोलो बढ़िया था चलो नहीं हार गए बस हाँ उनकी इन सब की ना प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी मैं घर आ गई हूँ और मैच खत्म हो गया है आपने तो मैच देखा है और एंजॉय भी किया होगा तो चलिए अब मैं ब्लॉग को यही एंड करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बाय।